स्वागत है आप सभी का जयपुर के फन किंगडम एम्यूजमेंट पार्क में। इस एम्यूजमेंट पार्क के अंदर कितने सारे राइड्स आप कर सकते हैं, कितने सारे एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री फीस क्या होगी, अंदर फूड के क्या रेट्स होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। फन किंगडम के अंदर पर पर्सन 700 रुपया चार्ज है और छोटे बच्चों का 400 रुपया। अगर आप सैटरडे संडे आते हो तो सैटरडे संडे का 800 रुपया चार्ज है और छोटे बच्चों का 500 रुपया चार्ज है। अगर आप अलग से जीप लाइन साइकिलिंग एक्टिविटी करते हैं तो उसका 400 रुपया चार्ज है। एम्यूजमेंट पार्क के अंदर आते ही आपको सबसे पहले ये वाली राइड नज़र आएगी, वोर्टेक्स राइड। ये फैमिली राइड है, तो सबसे पहले आपको ये राइड करके फिर एम्यूजमेंट पार्क के अंदर जाना होता है। तो ये वाली राइड कुछ इस तरह से है और इसमें ये ब्रिज हिलता है और इससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है, बहुत ही बढ़िया राइड है। एम्यूजमेंट पार्क के अंदर आते ही हम आपको इस फन किंगडम के सबसे एडवेंचरस राइड पर लेकर जाने वाले हैं, जो कि आपको बादलों के ऊपर लेकर जाएगी और उस राइड का नाम है स्काई स्क्रीमर। बादलों से बातें करने के बाद अभी हम आ चुके हैं 80s फ्लैशबैक राइड पे। ये वाली राइड आपको बहुत ही मजेदार तरीके से फ्लैशबैक में लेकर जाती है और इस राइड में जाने से पहले बहुत ही अच्छे तरीके से सेफ्टी चेक किया जाता है। हमारी नेक्स्ट राइड होने वाली है इस अम्यूजमेंट पार्क की सबसे डेंजरस राइड और उस राइड का नाम है सुनामी राइड और ये राइड करने के बाद आपको आपकी नानी याद आ जाएगी। अभी हम इस अम्यूजमेंट पार्क की सबसे फेमस राइड करने वाले हैं। जो भी इस अम्यूजमेंट पार्क में आता है वो इस राइड को जरूर करता है और इस राइड का नाम है थंडरस्टॉर्म। हमारी नेक्स्ट राइड है रेंजर राइड और ये राइड आपको दिखने में बहुत ही आसान लगती है, लेकिन है नहीं, क्योंकि ये राइड 360 गोल घूमती है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रेविटी का सामना करना पड़ता है।
रेंजर वाली राइड करने के बाद अभी हम करने वाले हैं स्ट्राइकर द बम्पर कार। और ये वाली राइड छोटे से लेकर बड़े तक सभी की फेवरेट राइड है, और ये वाली राइड हर कोई करना चाहता है क्योंकि ये वाली राइड बहुत ही एडवेंचरस और थ्रिलिंग से भरी हुई है। फन किंगडम एम्यूजमेंट पार्क में रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। यहाँ पर आपको सारी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी। मैंने अपने लिए छोले भटूरे लिए थे और इसका रेट 150 रुपीज़ है। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद अभी हम थ्रिलिंग से भरी हुई जिपलाइन एक्टिविटी करने वाले हैं, और इसके लिए आपको अलग से 150 रुपीज़ देना होता है। जिपलाइन करने के बाद आप रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग वॉल, इस तरह की एक्टिविटी भी यहाँ पर कर सकते हैं। जिपलाइन राइड के पास में ही ये गोगो साइकिल राइड बनी हुई है। इस राइड में आपको बैठकर पैडल मारकर इस साइकिल को 360 डिग्री घुमाना होता है, जो कि हर किसी की बस की बात नहीं होती। हमारी नेक्स्ट राइड का नाम है अमेजिंग डिस्कवरीज मिरर। इस राइड के अंदर जाकर आपको रास्ता ढूंढना होता है। यहाँ पर बहुत सारे मिरर्स लगे हुए, एक तरह का ये भूल भुलैया है, और यहाँ से आपको रास्ते को ढूंढते हुए बाहर निकलना होता है। और ये वाली राइड बहुत ही मजेदार है। स्पेशली ये वाली राइड छोटे बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। हमारी नेक्स्ट राइड का नाम है एक्सप्रेस वे हाईवे कार राइड। ये राइड छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई कर सकता है। एम्यूजमेंट पार्क के अंदर आप ये वाली यानी कि स्काई साइकिल राइड भी कर सकते हैं। स्पेशली सनसेट के समय पर ये राइड करने में बहुत ही मजा आता है, और यहाँ से आपको फन किंगडम का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू नजर आता है। इस एम्यूजमेंट पार्क के अंदर रेन डांस भी बना हुआ है। एम्यूजमेंट पार्क की सारी राइड्स करने के बाद आप रेन डांस करने के लिए जा सकते हैं। रेन डांस करने के बाद यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, और इस बोटिंग का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। फन किंगडम एम्यूजमेंट पार्क के अंदर छोटे बच्चों के लिए एक अलग से सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर आपको जो भी राइड्स दिखाई दे रही है, ये सभी राइड्स छोटे बच्चों के लिए बनी हुई है। अम्यूजमेंट पार्क की सारी राइड्स हम कर चुके हैं, तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।